हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो मेरे साथ आप लोग भी अपने इस चैलेंज में ज्वाइन कीजिए। तो गाइस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा वेट 73 हो गया था, तो डिलीवरी के बाद मेरा वेट हो गया था 69। तो आफ्टर 7 मंथ मेरा वेट है 59.65। तो अब मुझे और 4 kg लूज करने, देखते हैं 30 डेज में मेरा 4 kg और ज़्यादा लूज होता है कि नहीं। तो चलिए गाइस, मेरे साथ ये चैलेंज ज्वाइन कीजिए। आइए प्रोसीड करते वीडियो में। बाय बाय। सो गाइस, ये मैं हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं 73 kg की थी और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कभी वेट लूज़ कर भी पाऊँगी नहीं। फिर आफ्टर 3 मंथ्स विद डेडिकेशन एंड मोटिवेशन मैं अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में वापस आ गई थी। तो गाइस, दिस इज़ माय वेट। तो अर्ली मॉर्निंग मैं वेट चेक करती हूँ, फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। यही मैं अपने चैलेंज में रोज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, गर्म पानी के 30 मिनट बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तवे में मैंने थोड़ा घी डाल दिया है, फिर घी डाल के तो मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लिए। ये छोटे वाले ब्राउन ब्रेड है जिसको मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया बॉयल्ड एग, एक एग वाइट और एक होल एग डाल के इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट एंड पेपर से सीजनिंग कर दिया है। तो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। और ये कल के बचे छोले थे, वो भी मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिए। फिर मिड सेक में मैंने ले लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना। तो आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट ले सकते हैं। तो दिस इज़ माई लंच। तो ये है मेरा राइस, साग, सेम चौचड़ी मतलब सेम की सब्जी, और दूसरा है ये फिश जो सरसों से बना हुआ है। सो इस चैलेंज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको मिनिमम 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे पीना ही है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैलेंज। ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर इन अ डे। सो गाइस, क्वांटिटी भी आप लोग को कमाना पड़ेगा खाने का। ऐसा है कि जैसे अगर आप राइस ले रहे हैं तो टेक 1 कटोरी ऑफ राइस एंड सब्जी ज़्यादा करके लीजिए, जिससे आपका पेट भी भर जाएगा। और रोटी इफ यू गाइस आर टेकिंग तो टेक 2 रोटीज, 2 रोटी से ज़्यादा मत लीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, इनिशियली आप लोग को प्रॉब्लम होगा पर धीरे धीरे आप लोग का भूख उतना ही हो जाएगा, आप लोग का पेट 1 कटोरी राइस और 2 रोटी से ही भर जाएगा। तो इसके लिए आप, सो गाइस, डेडिकेशन एक और मोटिवेशन सेकंड, यही 2 चीज़ों से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो ये 2 चीज आप अगर आ जाए मन में तो ट्रस्ट मी, आप वेट लूज करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइस, शाम को मैंने अपनी फेवरेट चाय बना ली विद अदरक के साथ। तो ये रहा मेरा नाश्ता शाम का। मैंने 120 ml टी ले लिया है और 2 रस्क ले लिया है। तो मुझे चाय इवनिंग में पसंद है तो मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती। तो गाइज़, मैं रेडी हो गई हूँ अभी वॉक पे जाने के लिए। तो इस चैलेंज में वॉक भी इंक्लूडेड है, आप लोग को वॉक भी करना है। हाय गाइज, तो मैं भी निकली हूँ वॉक पे, मैं अपने कॉरिडोर पे वॉक करने वाली हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई कॉरिडोर जहाँ पर मैं आज वॉक करने वाली हूँ। तो गाइस, मैं नीचे भी जा सकती थी वॉक करने पर, मेरा बेबी इतना छोटा है कि मैं नीचे अभी नहीं जा रही हूँ उसको छोड़ के, क्योंकि उसको कभी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल ही इज़ विद माई मदर इन लॉ राइट नाउ। तो मैं अभी यहाँ पर वॉक करने वाली हूँ 1.5 घंटा, फिर मैं आपको बताती हूँ 1.5 घंटे में मैंने कितने स्टेप्स कम्प्लीट किए। तो गाइस, गाइस वॉकिंग मस्ट है इस चैलेंज में, तो आपको वॉक करना है। आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं, मेरी तरह कॉरिडोर पे भी वॉक कर सकते हैं। पार्क में जाके वॉक करना चाहता है वो पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, लेकिन वॉकिंग मस्ट है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आप अपना वेट लूज नहीं कर पाएंगे। तो वॉकिंग मस्ट है गाइस, जाइए अभी और वॉक कीजिए मेरी तरह। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, तो मैं घर जा रही हूँ। आज मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा बेबी आ गया है मुझे बुलाने। सो गाइस, आई एम गोइंग होम। तो अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने। तो आई विल शो यू व्हाट आई एम हैविंग टुनाइट। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सो गाइस, दिस इज़ माई डिनर, पुलाव विद सम एग्स एंड पनीर भुर्जी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।